इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कभी भी अपनी बस का टिकट बुक करते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखें कि कैंसिलेशन पॉलिसी क्या रहेगी, आपको कैंसिलेशन पॉलिसी क्या रहेगी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले आप टिकट बुक कर रहे हैं बस के, ठीक है, और आपका ट्रेवल कन्फर्म है, लेकिन किसी वजह से आपको बीच में यहाँ पर नहीं जाना पड़ सकता। हो जाता है यहाँ पर, कंडीशन बहुत लोगों के साथ होती है। तो सबसे पहले आप जो है डेट बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा, जो भी डेट हो, 5, 6, 7 जो भी हो उसे आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो और उसके बाद अपनी जगह को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सर्च बर्स पर क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर होल्ड अप हो गई। अब यहाँ पर आपको कई सारी बसें मिल जाएगी, सफारी ट्रेवल्स और सिटी लाइन ट्रेवल्स, यहाँ पर रेटिंग से आप बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर सीट सिलेक्ट करिए और प्राइस बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो हमने सीट सिलेक्ट की और इसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में कैंसिलेशन आ जाता है। अब कैंसिलेशन ये किस प्रकार से है, तो कैंसिलेशन बिफोर 30 अगस्त, तो यहाँ पर जो आपने पहले बुक कर रखी, क्योंकि उस हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। हमने जिस भी तारीख को उसे बुक करी है उस पर आप देख लीजिए कि कौन से सेक्शन में आप आ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर अगर आपकी बस यहाँ से निकल जाती है तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं, एंड आपकी जो है अगर आप डे टू डेट करते हैं 50% आपको मिल जाता है, 75% आपको मिल जाता है, और काफ़ी दिन पहले की होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी रुपये मिल जाते हैं। तो हमारी जो है 6 सितंबर को है, तो 6 सितंबर को या 5 सितंबर को हम उसको कैंसिल करते हैं टाइमिंग से, तो 50% हमें मिलते हैं। ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि जो है ट्रैवल कौन सा है, ट्रैवल एजेंसी कौन सी है जो आपको यहाँ पर जो है आपको ले जाएगी, ठीक है। तो ये रहता है इसका पूरा सिस्टम, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा, डेट आपको बिल्कुल ढंग से पता करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।